देखो आई नो मैं जो है बहुत लेट से लोगों को जो है शूट कर रहा हूँ, करीब 2 हफ्ते हो गए भाई मैंने जो है कॉर्बी से जो वीडियोस है उसको जो है अपलोड नहीं किया है, पर मैं पता नहीं यार मैं कुछ नहीं बोल सकता। सीधा बात करते हैं मुद्दे की, इस वीडियो की। तो इस वीडियो में आपको जो है कुछ ऐसे बात बताऊंगा, कुछ नहीं मतलब 5 होंगे, जो कि आपको अपने पीसी में नहीं करने चाहिए अगर आपके पास एक गेमिंग पीसी है तो। वैसे नॉर्मल पीसी तो भी आपको नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास एक गेमिंग पीसी है चाहे वहाँ जो है 10,000 का हो, 1 लाख का, या फिर चाहे 10 लाख का हो, अगर उसमें आप जो है ये सब करते हैं तो आपका जो पीसी है वह जो है अंकल का पीसी डब्बा वाला जो है पीसी बन जाएगा। तो भाई आपको तो करना ही नहीं चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए सीधा बात करते हैं। सबसे पहले यार पीसी बिल्ड, अगर पीसी बिल्ड करना चाहिए, पर पीसी बिल्ड वाले अगर आप जो वीडियोस देखते हैं तो उनको देखे होंगे, वो लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपका विंडोज एक्टिवेट नहीं है तो भाई 700 रुपीज में, 800 रुपीज में भाई ये ले लो, यहाँ पर से की मिल जाएगा। और उनका लगभग हर 10 में 8 वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड होता है इन्हीं सबसे। और भाई आप जो वहां से बाय करते हैं विंडोज 10 का जेन्युइन की, ऐसा सोचकर, तो देखो बताता हूँ क्या होता है। मैं कोई भी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, तो सीधा बताता हूँ फायदा की मतलब क्या होता है। अगर आप जो है वहां से बाय करते हैं 1,000 रुपये देकर, और वहीं से आप अगर आप जो है 1 मिनट टाइम देकर जो है बाय मतलब बाय नहीं सीधा डाउनलोड कर लेते हैं विंडोज एक्टिवेटर गूगल से कहीं से भी समझ सकते हो, तो भाई वहां और वो दोनों जो है सेम वर्क करता है। तो पैसा आपका है तो आपके ऊपर चॉइस है कि भैया बाय करके अपना सही करना है विंडोज को, या फिर फ्री में करना है थोड़ा इधर उधर करके, आप ऊपर डिपेंड है। फाइनल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई ना तो बाय करो ना तो ये सब करो, क्योंकि कुछ होने वाला है नहीं अगर आपका विंडोज जो एक्टिवेट नहीं है। आप हालांकि कोई भी बोले कि आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, भाई कुछ भी नहीं होता है अगर आपका विंडोज एक्टिवेट नहीं है तो भी आपको जो परफॉर्मेंस है विंडोज का वो जो मिलेगा ही मिलेगा। बस ये हुआ कि आप जो पर्सनलाइजेशन रहता है वहां पर जाके वॉलपेपर थीम को, जैसे कि व्हाइट है डार्क है कहाँ इसमें रखना चाहते हो, ये सबको नहीं कर सकते। बाकी परफॉर्मेंस में आपको जो कोई भी जो दिक्कत नहीं होगा, अपडेट अपडेट का ये सब कुछ नहीं करते यार, सब शुद्ध बाजी रहता है। विंडोज एक्टिवेटर कर लो या फिर बाय करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल जो स्टोर है जहाँ पर आपको करीब 12,000 रुपये देना रहता है वहां से बाय करो, अमेजोन से बाय मत करना, आपका जो पैसा है वह जो वेस्ट ही होगा। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, पैसा आपका, चॉइस आपका। बात करते हैं सीधा सेकेंड मुद्दे का। तो अगर आपके पास एक गेमिंग पीसी है तो सिंपल सी बात है यार, आप भाई उसमें गेमिंग तो कर ही करते होगे, और आपको लगता होगा भाई मुझे जो है ना सही से एक आउटपुट नहीं मिल रहा, मतलब जो दिखाई दे रहा है ना वो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने जो है अच्छा खासा चश्मा भी पहन रखा है फिर मुझे जो सही से आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो रीजन है आपका केबल। मैंने जो है बहुत सारे लोग जो देखा है कि अपने गेमिंग पीसी में यार वो लोग जो केबल यूज करते हैं वह करते हैं वीजीए केबल, जो कि भाई 1987 में आया हुआ था भाई, इतना पुराना केबल। वैसे मैं भी करता था, मैं क्या ही बोलूं, पर देखो बता रहा हूँ जब से मैंने जो भाई उसको जो है हटाया है ना अपने लाइफ से, मतलब अपने पीसी से मॉनिटर से, भाई जो आउटपुट है ना यार वो जो है भाई अलग ही हो गया है, मतलब जो मुझे दिखता है ना बिना चश्मे का भी वो काफी सही दिखता है। और इसलिए आपको जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो अगर आप जो वीजीए केबल यूज कर रहे हो, देखो भाई इतना पुराना केबल है वो जो है सही से प्रोवाइड नहीं करता आपको जो है फुल एचडी भी सही से नहीं कर पाता, और अगर आप जो कन्वर्टर ये सब यूज करते हैं तो फिर भाई मतलब छोड़ो यार मैं क्या बोलूँ, सीधा बताता हूँ मैं आपको, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, सीधा बताता हूँ भाई यूज मत करो, सही से आउटपुट नहीं देता है अगर आप। और देखना ग्राफिक्स कार्ड में भी जो वीजीए है ना वो जो है आपको नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है कि वीजीए से हम लोग जो है सही आउटपुट नहीं दे सकते, डिस्प्ले पोर्ट वगैरह मतलब डिस्प्ले क्वालिटी नहीं दे सकते। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि 200 रुपये भाई आप जो है एचडीएमआई जो केबल है वो जो बाय कर लो, और अगर आप ये जो मॉनिटर है पीसी है उसमें जो है डिस्प्ले पोर्ट दिया है तो यार और भी अच्छा बात है, आप जो है सीधा डिस्प्ले पोर्ट बाय करो भाई, जो डिस्प्ले पोर्ट है ना यार उसमें जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपका जो एचडीएमआई है उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। अब इनका अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है वो मुझे भी नहीं पता टेक्निकल, तो बस यही है विजय केबल यूज करो। बाय द वे अगर आपके पास जो है एक अच्छा खासा पीसी है मॉनिटर भी सही है तो सिंपल सी बात, अगर आप जो है भाई गेमिंग नहीं कर रहे हो और गेमिंग में ऑनलाइन गेम नहीं खेल रहे हो, पबजी मोबाइल कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब नहीं खेल रहे हो तो मतलब भी कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम क्या आता है, पिंग बहुत ज्यादा हाई आता है। अब पिंग हाई आता है तो सिंपल सी बात इंटरनेट का, अब हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं फाइबर ब्रॉडबैंड, पर प्रॉब्लम ये रहता है कि यार जो केबल है ना हमारे घर तक आया नहीं होता है, जस्ट लाइक मी, मेरे घर पास बहुत नहीं आया अभी तक, मैं बहुत कॉल किया हूँ पर नहीं आ रहा है। खैर ये क्या रोना धोना, छोड़े इस बात को, सिंपल सा बताता हूँ। अगर आप भाई जो है वाईफाई जो है अडाप्टर यूज करते हैं अपने पीसी में, चाहे वह जो है 150 MB का हो या फिर 300 MBPS का हो, भाई कोई भी सा करो जो स्लो चलेगा ही चलेगा, सबसे बेस्ट यही बोलूंगा। अगर आप जो एक ऑनलाइन गेमिंग करते हो ना अपने पीसी में और आपको जो पिंग है वह जो हाई आ रहा है तो सबसे अच्छा है भाई जो यूएसबी केबल है अपने स्मार्टफोन पर से कनेक्ट करो अपने पीसी को, और वहां पर चले जाओ पोर्टेबल हॉटस्पॉट में, और उसके अंदर मिल जाएगा यूएसबी थेरी, उसको जो है ऑन कर लो, यूएसबी थेरिंग से आपका जो आउटपुट है एकदम सही हो जाएगा। अब इसका मैं आपको एकदम एग्जाम्पल दूँ तो सिंपल सी बात, अगर आप जो है एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो एयरटेल आपको पता होगा भाई
Mbps का भी इंटरनेट नहीं मिलता मुझे सही से, आपको भी नहीं मिल रहा होगा, पर जो एयरटेल का फाइबर है उसमें जो है 1 Gbps का आ रहा है। तो कैसे हो रहा है, सिंपल से बात, वायर के थ्रू हो रहा है, वायरलेस तो हो नहीं रहा है। तो अगर आप जो वायरलेस ही कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा स्लो हो गई होगा। तो भाई वायर कनेक्ट करो, जो आपका फाइनल जो आउटपुट मिलता है स्मार्टफोन पर, वही आपको जो इंटरनेट है वहाँ जो मिल जाएगा आपके पीसी में, तो आपका पिंग भी सही रहेगा और अच्छा खासा खेल भी कर पाओगे। बाय द वे, वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो वीडियो को। और ये सब हो गया, थोड़ा चौथा जो पॉइंट है ना उसमें मैं जो सोच रहा हूँ, हाँ चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप जो थोड़ा दयालु बनते हैं ना, मतलब इमोशनल थोड़ा होता नहीं है कि यार बेचारा, बहुत सारे लोग क्या होता है कि भाई मैं अपने पीसी फॉर्मेट करूँ तो जो मेरा पीसी जो डेटा है यार अपने पीसी में रख दे, फॉर्मेट करने के बाद मुझे जो वापस देना, ऐसा होता है बहुत ज्यादा। और बहुत सारे लोग हम लोग ये करते हैं कि कुछ मूवी लाते हैं एक ड्राइव में रखते हैं, वहां से हटाकर दूसरा रखते हैं, या फिर बहुत सारे फाइल डाउनलोड करते हैं, फिर अपने सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, उस डी के बाद डी के बाद ई में, ई के बाद एफ में, ऐसा करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो जो हार्ड डिस्क होता है वहां जो है भाई वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, स्लो हो जाता है। आप स्लो क्यों बताता हूँ, सिंपल सा हमारा जो हार्ड डिस्क क्या होता है एकदम बोलूँ तो वो जो है एक रहता है भाई सीडी रहता है। अब जैसे आपको पता है जो सीडी होता है वह जो घूमता रहता है, फिर वो जो है रन करता रहता है। तो जैसे जैसे वो जो सीडी है वहां जो घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, फिर एक दिन आता है कि वो जो है सिंपल ज्यादा आपके पास, आपने जो यूज किया होगा बहुत पहले सीडी डीवीडी यूज किए होंगे, तो जब वो घूमता है तो सिंपल बात वो जो है भाई स्क्रैच पड़ जाता है, फिर वो खराब हो जाता है घूमने की वजह से। तो सेम आपका जो हार्ड डिस्क है ना उसके साथ भी यही होता है। तो भाई अपने हार्ड डिस्क में एक ही बार स्टोर करो और खत्म कर दो उसको, बार 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 मत घुमाओ उसको कि भाई 100 GB का डाटा मैंने अभी रखा उसको डिलीट कर दिया, फिर 100 GB किसी और का रखा उसको दे दिया, ऐसे भाई इतना भी हेट मत करो कि आपको नुकसान हो, समझेगा। तो यही है। और रही बात पांचवें पॉइंट की, तो उसको अभी थोड़ा याद कर लेता हूँ और फिर बता दो। पांचवें पॉइंट ये है, हमें से यार बहुत सारे लोग भाई जो है क्रैक जो सॉफ्टवेयर है उसको जो यूज में लेते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे गेम्स हो, क्रैक सॉफ्टवेयर जो यूज में लेते हैं। अब चलो ये तो सही है, चलो सही नहीं है वैसे, चलो एक हद तक सही है, पर उसके बावजूद अब क्या करते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर को ही कुछ ना हो करके हम लोग जो है क्रैक एंटीवायरस भी यूज कर लेते हैं। देखो भाई आपको एंटीवायरस ही क्रैक है तो भाई क्या वो खुद एक वायरस यार, दूसरे को क्या वायरस रोकेगा यार। तो भाई एंटीवायरस सही से यूज करो, और आपके पीसी में बहुत ज्यादा जरूरी है एंटीवायरस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा और वो करूंगा भाई क्विक हिल वगैरह, ऐसा पॉपुलर ब्रांड में जाना, ऐसे एलिगर नथु के पास मत जाना भाई, अच्छा खासा लो एंटीवायरस और उन्हीं के पास जाओ, एंटीवायरस बहुत ज्यादा जरूरी है। पर हाँ एक ही मतलब एक ही टाइम पर अगर आपके पास एक गेमिंग पीसी है तो सिंपल ज्यादा, अगर आपके पास एक गेमिंग पीसी है तो आप जो अपने पीसी में जो ब्राउजिंग करते होंगे, यहाँ 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 वहाँ जाते होंगे, घूमते फिरते होंगे अपने पीसी में गूगल पर, तो अलग अलग वेबसाइट को, नए नए वेबसाइट को अगर आप जो है एक्सेस करते हैं, तो उस केस में आपको भाई एंटीवायरस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंटीवायरस का यार क्रेक वाला मत करो भाई, थोड़ा बाय करो यार, क्या होता है, अब छोड़ो सब छोड़ो, मतलब वीडियो ही छोड़ो, लाइक करके देना, सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और कमेंट भी कर देना अगर कुछ गलती कर रहे होगे तो। मैं बस इस वीडियो में देता, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बाय, गुड नाइट।